श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल बतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे खास लक्षणों की जानकारी देने वाले हैं जो 99% गर्भवती महिला में बेटा होने पर दिखाई देते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि ये 10 के 10 लक्षण आपसे मैच करें, क्योंकि देखिए सभी की जो बॉडी होती है उसमें हार्मोनल चेंजेस अलग अलग देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव करा है तो इन लक्षणों में से कुछ लक्षण 90% आपको मैच होंगे। तो दोस्तों, उन खास लक्षणों की जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहला लक्षण है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला को देखे प्रेगनेंसी के दौरान भूख बहुत ज्यादा लगती है और उसे मेल जेंडर की चीजें खाना पसंद है, अलग अलग चीजों का बार बार उसका मन करता है, किसी चीज के प्रति उसका मतलब ध्यान उसी पर रहता है, जैसे फूड क्रेविंग होती है उसे, तो यह लक्षण बेबी बॉय होने का माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेल जेंडर की सब्जियां फल खाने में पसंद आता है, ऐसे ही अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान देखिए हरी मिर्च खाने का, देखिए ये फीमेल जेंडर की है, परंतु अगर आपको खाने का मन करता है तो ये लक्षण भी कहीं ना कहीं बेटा होने का माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर गर्भवती महिला का जो वजन है, देखिए प्रेगनेंसी के दौरान वजन तो बढ़ता ही है, लेकिन अगर आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो ये लक्षण देखिए बेटा होने का माना जाता है। वहीं पर अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान देखिए 10 से 15 किलो वजन, यानी आपकी पूरी प्रेगनेंसी में 10 से 15 किलो तक वजन बढ़ गया है तो ये लक्षण देखिए बेटा होने का माना जाता है। वहीं पर आपका जो वजन है, यानी आपकी जो टमी एरिया और अगर आपके जो कमर में अगर आपकी मतलब चर्बी दिखाई दे रही है, यानी आपका वजन बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है अगर आपको कमर के आसपास, तो ये लक्षण भी देखिए बेटा होने का माना जाता है। वहीं पर अगर आपके कूल्हे पर यानी हिप्स में अगर ज्यादा वजन बढ़ रहा है तो ये लक्षण देखिए बेटी होने का माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आपकी देखिए हाइट जैसे 5 फीट है या इससे कम है तो आपका पेट बहुत जल्दी दिखाई देने लगता है, यानी तीसरे महीने से ही अगर आपकी टमी दिखाई देने लग गई है तो ये लक्षण भी बेटा होने का माना जाता है। वहीं पर अगर आपकी देखिए हाइट अच्छी होती है, यानी 5 फीट से 5.5 या 6 फीट तक है, तो आपका जो पेट है वो बहुत कम दिखाई देता है, यानी अगर आपको 4वें-5वें महीने तक भी अगर आपका पेट नहीं दिखाई दे रहा है तो ये लक्षण भी देखिए बेटा होने का माना जाता है। क्योंकि जिन गर्भवती महिलाओं की देखिए हाइट अच्छी होती है तो उनका टमी दिखाई नहीं देता है, अगर आपको 4वें-5वें महीने तक भी आपका पेट जैसे नॉर्मली ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है तो ये लक्षण भी बेटा होने का माना जाता है। वहीं पर अगर आपको देखिए अगर आपकी हाइट कम है और आपका पेट नहीं दिखाई दे रहा है तो ये लक्षण देखिए बेटी होने का माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव करा होता है तो आपके हाथ पैरों में काफी बदलाव देखने को मिलता है और खासकर आपके पैरों में बहुत अधिक बदलाव, उसके कलर चेंज दिख रहा है आपको, पैरों में दर्द रहना, पैरों में सूजन आना या उसका बिल्कुल कलर ही चेंज हो जाना, तो ये लक्षण बेबी बॉय होने का माना जाता है। वहीं पर अगर आपको देखिए राइट साइड की जो आपका जो हिस्सा है पैर का या जांग का, उसमें अगर आपको ज्यादातर खिंचाव महसूस हो रहा है या दर्द महसूस हो रहा है तो ये लक्षण भी देखिए बेबी बॉय होने का माना जाता है। वहीं पर अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव करा है तो आपकी जो एड़ियां हैं, अगर एड़ियां आपकी फटने लग गई हैं, आपकी जो स्किन है वो पहले से ड्राई हो गई है, यानी मतलब खुश्की आ गई है, आपकी जो स्किन है बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, आपकी खुश्की हो गई है पहले के मुकाबले, अगर आपको अपने स्किन कलर में भी चेंज दिख रहा है, अगर आपको इसमें बदलाव दिखाई दे रहा है तो ये लक्षण भी बेबी बॉय होने का माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव करा होता है तो आप ये अपनी बॉडी में चेंजेस देख सकते हैं। अगर आपको अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा एक्टिव फील कर रहे हैं, आपकी बॉडी में आपको आलस नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब कोई भी अगर आप काम करने जा रहे हैं तो अगर आपको आलस नहीं आता है तो ये लक्षण भी बेबी बॉय होने का माना जाता है। वहीं पर अगर आपको कोई भी काम करने में बहुत ज्यादा आलस आता है, नींद आती है, आपका मन करता है कि बस मैं रेस्ट करूं, तो ये लक्षण देखिए बेबी गर्ल होने का माना जाता है।
अगला लक्षण है दोस्तों, वो है आपकी ब्रेस्ट में बदलाव आना, आपकी ब्रेस्ट का कलर चेंज होना, आपकी ब्रेस्ट में भारीपन महसूस होना, ऐठन महसूस होना, या राइट वाली ब्रेस्ट में अगर पहले दूध जैसा पानी निकलने लगता है तो ये लक्षण भी बेबी बॉय होने का माना जाता है। अगर आपकी ब्रेस्ट में देखिए आपको ऐठन महसूस हो रही है, खिंचाव महसूस हो रहा है, दर्द या खुजली हो रही है और ज्यादातर आपको राइट वाली ब्रेस्ट में ये दिक्कत हो रही है तो ये लक्षण भी कहीं ना कहीं देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि बेटा होने का माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, बेबी बॉय होने पर देखिए बॉडी में कई जगह पर आपको दर्द महसूस होता है, जैसे आपके सिर में दर्द रहता है या आपके कुल्हे में दर्द रहता है या कमर में यानी बैक पेन की जो प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में अगर आपको दर्द रहता है तो ये लक्षण भी देखिए बेबी बॉय होने का माना जाता है। साथ ही दोस्तों अगर आपको छठे सातवें महीने से ही अगर अपने नाभि का जो निचला हिस्सा होता है उसमें आपको ज़्यादातर खिंचाव महसूस हो रहा है या हल्का फुल्का दर्द होना शुरू होता है, अगर आप देखिए चलते हैं या कहीं जा रहे हैं या ऊपर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, अगर आपको अपने निचले वाले हिस्से में चाहे जांघों में चाहे आपको नाभि के निचले हिस्से में या अपने इंटरनल पार्ट पर ज़्यादातर दर्द और खिंचाव महसूस होता है तो ये लक्षण भी देखिए बेबी बॉय होने का माना जाता है, क्योंकि गर्भ में जब लड़का होता है तो उसका वेट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उसका दबाव आपके निचले वाले हिस्से पर पड़ता है, इसीलिए आपके जांघों में मतलब खिंचाव हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है। इस तरह की प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं तो ये लक्षण भी कहीं ना कहीं बेटा होने का ही माना जाता है। दोस्तों अगला लक्षण बहुत ही सटीक लक्षण है जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं, गर्भवती महिला की देखिए चाल को उसके हाव भाव को देखकर बता देते थे कि भाई आपको लड़का होगा या लड़की होगी। दोस्तों अधिकतर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जो गर्भवती महिला में जो चीजें देखते हैं उसी की हम जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों सबसे पहला है अगर आपकी नाभि लाइन बिल्कुल सीधी होती है तो ये लक्षण 100% बेटा होने का माना जाता है। वहीं पर अगर गर्भवती महिला के पैरों में बदलाव आया है, उसके कलर में चेंज आया है, मतलब पैरों की जो एड़ियां होती हैं अगर वो लाल या पिंक कलर की हो गई हैं या एड़ियां आपकी फट रही हैं तो ये लक्षण भी बेबी बॉय होने का माना जाता है। अगला जो लक्षण वो देखती हैं दोस्तों वो है आपकी ब्रेस्ट में बदलाव आना, यानी आपके जो ब्रेस्ट है उसका जो काला घेरा है उसमें जो छोटे छोटे डॉट होते हैं अगर वो उभरे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको तो ये लक्षण भी बेबी बॉय होने का माना जाता है। और ये तीनों ही लक्षण देखिए हमारे बड़े बुजुर्ग अधिकतर गर्भवती महिलाओं में देखती हैं और इसी से वो अंदाजा लगा लेती हैं कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। तो दोस्तों ये हमने काफी सारे ऐसे सटीक लक्षण बताए हैं जो बेबी बॉय होने पर ही गर्भवती महिला में दिखाई देते हैं। इनमें से अगर कुछ लक्षण भी अगर आपसे मैच करते हैं तो आप काफी हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी होने वाली जो संतान है वो एक लड़का होगा या लड़की होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय।